स्कूल जाई रोज जब पढ़त रह निम से संवारत रहे का सखी अब डर लगे उने से। कजरा लगावल छोड़ देनी गोलावन के तक केहू के हुके प्यार ना मिलल के के यार ना मिलल के के दुनिया उजड़ गयिल केहू के बगियाबा खिलल केहू के जिंदगी में कबो बहार ना मिलल केहू गैर के हो के सम्हर गिल देखते देखते कहानी बदल गैिल तुहर तो राजा बदल गैिल हमार रानी बदल गिल बहुत अच्छा मतलब सोच के गए थे कि ये गाना हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सबको पसंद आएगा लेकिन जितना बजट लगा इस गाने में पाँच लाख का वीडियो था ऊपर ही होगा और ऐसे इंसान मतलब सूट किए इस गाने को मतलब जो कभी आज तक भोजपुरी सूट भी नहीं किए डिजिटल के किंग है हमारे भैया हमारे गार्जियन विक्की यादव जी और भैया का ही आशीर्वाद है कि आज हमको देख रहे हैं इस लेवल पे नमस्कार इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद देवरिया में और हमारे साथ भोजपुरी लोक गायक भास्कर पांडे जी हैं काफ़ी गाना इनका ट्रेंड कर रहा है सबसे पहले भास्कर जी स्वागत है सबसे पहले आ, आपके जो सेलेक्ट मीडिया ट्वेंटी फोर न्यूज है आपको भी कोटि कोटी, -कोटी प्रणाम है और जितने हमारे भाई लोग देख रहे हैं भैया के चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आप आए बाहर आई मेरा मान बढ़ाए ये आप आप ऐसा कर दिए हैं कि आपके पास आना पड़ा है आपका जो गाना है काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और सोशल मीडिया पे आपका गाना इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि पूछिए मत इंस्टाग्राम से लेकर के जो भी ओ टी टी है वहाँ भी आपका गाना, आपका गाना चल रहा है आ, ये गाना आपका एक चल रहा है ये दो गलवा वाला ये थोड़ा सा हमको उसी से स्टार्ट करिएगा उसके बाद आपकी बहुत सारी चर्चा करेंगे आपसे पहले गाने से स्टार्ट करते हैं अभी एक तो मेरा गाना बहुत बड़े लेवल से ट्रेंड कर रहा है इस स्कूल जा रोज जब पढ़त रहे बड़ी रे निमन से समरत रहे का कहीं सखी अब डर लगे एने उने झाकला से कजरा लगावल छोड़ देनी है मन के तला से का कहीं सखी अब डर लगे एने उने झाकला से कजरा लगावल छोड़ देनी है दो गलावन के ताकला से इसके बाद एक गाना ट्रेंड किया था सावन का पतिदेव के पूजबू की महादेव के तो हाँ अरे बानी राजा के रानी हाय 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 बानी राजा के रानी महादेव के दीवानी जैसे लड़का पूछ रहा है कि साफ सुथरा बात बताओ कि तू पतिदेव को पूछबू की महादेव के

बहुत परिवर्तन हुआ उस समय स्ट्रगल का दौर था आगे बढ़ने का जुनून था कि एक बड़ा लेवल पा जाएं जाए से लेके कर यहाँ मैं अपने यहाँ भाटपारानी में शिव मंदिर में यहाँ संगीत सीखता था मैं और पिताजी हमारे भेजते थे हम जाते थे सीख के आते थे और उस समय एक कैसेट भी आया था मेरा 2005 में 2005 के बाद 2007 में आया इधर अपने क्षेत्र में ही सूट किया था मैं बहुत चला था उस समय कोई हमको लग रहा है कि कल्लू भैया भी मार्केट में नहीं आए थे सनी कुमार सानिया भी नहीं आए थे मार्केट में हमारे बाद ये लोग आए अगर उस समय आ, 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 क्या था कि हम ऐसे परिवार से थे कि पहले पढ़ाई ज़रूरी था कि आप पढ़िए पढ़ लोगे तो फिर आ, आगे चल के तुमको भेज दिया जाएगा मतलब सपोर्ट तो हमारे पिताजी के तरफ से शुरू से ही रहा बहुत ज़्यादा और आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पे हूँ अच्छा एक चीज़ जानना चाहेंगे जब आडियो कैसेट का टाइम था उस टाइम पे मैं काफ़ी दिन से आपको जानता भी हूँ मैं तो एक स्टार लेवल का कलाकार आपके कैसेट में काम किया था नाम बताना चाहेंगे <laughs> मैं नाम बताना नहीं चाहूँगा कैसेट दे दूंगा आप देख लीजिएगा और उस समय गाना था मेरा ताकि के जार दिन अभी भी कैसेट हमारे यहाँ रखा हुआ है तो वो कैसेट है हमारे यहाँ हम दे देंगे उसमें जो नौवा गाना है आप उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि हम नहीं चाहते हैं क्योंकि हम देखे हैं हमारे मैं बड़े भाई हैं गार्जियन है दर्शकों को मैं बताता हूं बता दूंगा कि ये भास्कर पांडे जी हैं और चूंकि भोजपुरी लोक गायक हैं और एक ऐसा एल्बम इनका जिसमें भोजपुरी के एक सुपर इनके एल्बम में वो काम किए हैं नाम नहीं बताया जाएगा इसलिए कि वो आज स्टार हैं

कोई भी होता तो अभी तक डाल दिया होता हर चैनल से गाने को डाल दिया होता लेकिन हमारा ये सोच नहीं है हम सोचते हैं कि सम्मान अपना बना रहे क्योंकि उनका भी जो प्यार मिलता है एक छोटे भाई जैसा शुरू से ही अगर एक फ़ोन कर दें या कुछ भी बोल दें तो उधर से अच्छा एज द आप कंपोज़र भी हैं आप गाना भी लिखते हैं राइटर भी हैं नहीं राइटर नहीं हम कंपोज़र हैं गाना कंपोज करते हैं मैं अभी तक जितना मैं गाना गाया हूँ सब मेरा ही कंपोजिशन है राइटर हैं हमारे छोटे भाई हैं न्यू नागेंद्र यादव जी वो गाना लिखते हैं मंजीमीत भैया हैं बड़े भाई हैं वो भी आ, उनका गाना एक लिखा में कंपोज किया था हर जीजा तो हर रंगे मिला के ये गाना रितेश भैया का मैं दिया था आपने दिया था और ये पूरा ब्लास्ट किया था होली में मतलब गाना होली भुण, भुण का बहुत बड़ा गाना था ये उसके बाद से अंकुश राजा भैया को भी गाना दिया था मैं एक सिंगर और थे विनय पांडे जी उनको भी मैं गाना दिया था जीजा जी तनी हल्के हल्के ये जो बुलेट पे जीजा गाए थे उनका भी गाना एक मैं दिया था बड़ा लेवल से होली में बजा था फिर आ, समर भैया को भी मैं गाना दिया था अभी अरे का को ये मालिक नाबालिक बीमार है सरदी कमर में बुखार है ये गाना मैं समर भैया को कंपोज करके दिया था अभी एक गाना और मैं दिया हूँ बहुत बड़ा गाना है बहुत पुराना गाना था कि अरे पियावा अच्छा अनहर ये डुएट में मैं इतना बड़ा लेवल से कंपोजिशन है कि ये गाना गा दिए बजेगा

प्यारी बहन शिल्पी राज जी के साथ वो गाना मेरा थ्री पॉइंट एट मिलियन गया राज भाई वीडियो किए थे वो खोरठा वाले राज भाई रहा तो ये गाना ट्रेंड किया देवर हो दाबो मोर और ये गाना मेरा ट्रेंड किया ये सब बनाया गया चीज़ था पहले का ही गाना था और अभी जो अभी खेसारी भैया को गाना मैं दिया हूँ सुन ज आ गई राम जी। भैया वो न भाई हो खेला तो के माई के 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 पिटाई हो हो खेला के माई के हो खेला पूजाई ये गाना भैया का आया बड़ा लेवल से ये तो आपका दिया हुआ है जी हमारा कंपोजिशन है और हमारे छोटे भाई हैं नगेंदर भैया उनका लिखा हुआ गाना अरे गाना जब होता है जैसे आप, आप कलकार हैं गाना आप गा दिए तो पकड़ तो है ऊपर तक सब कुछ है लेकिन गाना जब आप का बजने लगता है तो उसके बाद से तुरंत बड़े स्टार गा देते हैं तो वो पकड़ जो हमारे भाई लोग देख रहे हैं हमारे भगवान देख रहे हैं इन्हीं लोगों का पकड़ है हम कुछ नहीं है जो कुछ भी है इन्हीं लोगों के वजह से है और मेरा गाना अगर कोई उठा के गाता है तो उन लोगों को खुद ही खुद ही पता है कि ये लड़का ना आज तक किसी का उठा के गाया है ना गाता है और हम चाहते हैं कि अगर हमारे गाने गा के अगर कोई बड़ा स्टार और बड़ा बन सके तो हमें कोई आपत्ति नहीं है आप गा सकते हैं बनाने वाले ये लोग हैं जो सामने देख रहे हैं यही हमारे भगवान हैं इन्हीं की वजह से हमको बनना है और जो हमारे अंदर जो कला है महादेव की कृपा से कंपोजिशन है तो हम अगर कोई गाए तो हमको तकलीफ नहीं होता हमको लगता है कि अगर उन लोगों को लगता है कि अगर इनका गाना गा के हम बड़ा हो सकते हैं या कोई भी छोटे भाई हो बड़ा भाई हो अगर उनको लगता है कि इसके गाने से हम गा देंगे तो स्टार बन जाएंगे तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है आप गाइए कोई दिक्कत नहीं है एक और चीज़ भोजपुरी में देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा जातिवाद लेकर के टुनटुन यादव आते हैं सीधा अपने नाम के आगे लिख दे स्टार भोजपुरी को तो गंदा कर दिए टुनटुन यादव जी जातिवाद ला और एक समय ऐसा था कि जातिवाद नाम का कोई चीज़ ही नहीं था ये मार्केट में आए भगवा घराना तो ये घराना तो ऐसे कर कर के बहुत सारे गाने गाए लेकिन फिर अब धीरे धीरे सुधार ला दिए हैं मार्केट में अब जो भी गाना ये गा रहे हैं अच्छा गा रहे हैं जातिवादी छोड़ दिए हैं हमको लग रहा है और अपने स्थान पे आ गए हैं और जातिवादी गाने का मतलब एक चीज़ और होता है कि ये सोचते हैं कि हम जातिवाद गा के हिट हो जाएँ फिर बाद में जाके भोजपुरी वाले माहौल में ढल जाएँ तो एक चीज़ ये भी होता है लेकिन पहले गंदगी फैला के फिर उसको अपने हाथ से साफ़ करना ये अच्छी चीज़ नहीं है बात यहाँ पे आती है कि आ, आप एक सिंगर हैं आप अगर साफ सुथरे गीत गा रहे हैं तो आपको इतने लेवल के मंच आपको मिलेंगे जो मंच होता है जहाँ आपको सम्मान मिलेगा वो सम्मान उनको नहीं मिलने वाला है ये भोजपुरी के कलाकारों के लिए होता भी है आ, बड़ा बड़ा मंच बढ़िया कलाकार करते हैं आज साफ़ सुथरा गाना गा के और हमारी बहन है शिल्पी राज जी साफ सुथरा गाना गा के और पूरे वर्ल्ड में यूट्यूब पे चाहे हर जगह एक नंबर की सिंगर हैं पूरे वर्ल्ड में एक नंबर स्थान आया है उनका तो उनका तो कोई गंदा गाना है नहीं आप लोग भी अच्छा गाना गाइए साफ सुथरा गाना गाइये मार्केट हम भी गाना गाए हैं दुगलवाला गाना गाए हैं लेकिन दोगलवा हम हम देख रहे हैं कि दोगलवा एक हर भाषा में लोग आज बोलते के, कि, आज के के प्रवेश का गाना है मान हाँ, तो वो कोई गाली नहीं है प्यार से अरे दोगला हुआ का या दोगले हैं ये चीज हम तो बहुत सारे शहर अभी देखे हैं कि सब दोगले निकले बारी बारी इस गाने पे भी इस इस शहर पे भी मैं एक गाना बनाया हूँ यही चीज मैं बनाने वाला हूँ बड़ा लेवल से और दुगलवा पे बहुत सारा मैं गाना बनाया हूँ अभी अभी नवरात्रि जहाँ बीतेगा आता रहेगा लाइन से छूटेगा और सब यही ट्रेंड जाएगा उसको अभी लेटेस्ट में गाना चल रहा है कि, अरे पापा के के करे जा लड़का बोलता है के कर बोलिया आदा लागे ला आदा आ ये गोरी जो मन चाह तू हमारा के दे जा बोला बोला खराब भेजा तो लड़की बोलती है अरे पापा के बनी माई के करे जा पापा के परी बानी माई के करे जा अपन दिल दे जा हमारे दिल ले जा अब ये गाना ट्रेंडिंग कर रहा है बीस हजार रिल प्लस हो गया है और एक गाना ट्रेंड कर रहा है कि मेरा जलवा अब देख विरोधी जलता रहेगा काफिला चलता था चलता है काफिला चलता रहेगा इस गाने का शूट हम करने वाले हैं अपने क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल से और इसके बाद एक गाना आने वाला है बदमाश सुना नहीं सकते अगर सुनाएंगे तो तुरंत बदमाश कोई और निकाल देगा हो जाएगा <laughs> वो भी गाना बहुत बड़ा गाना है तो चलिए एक गाना आपका है वो राजा रानी वाला थोड़ा सा उसको थोड़ा सा सुनेगा हाँ राजा रानी गाना है हमारा और इस गाने को हम बहुत अच्छा मतलब सोच के गए थे कि ये गाना हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सबको पसंद आएगा लेकिन जितना बजट लगा इस गाने में पाँच लाख का वीडियो था ऊपर ही होगा और ऐसे इंसान मतलब सूट किए इस गाने को मतलब जो कभी आज तक तो भोजपुरी सूट भी नहीं किए डिजिटल के किंग है हमारे भैया हमारे गार्जियन बिक्के यादव जी और भैया का ही आशीर्वाद है कि आज हमको देख रहे हैं इस लेवल पे उस गाने को मैं देखा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ दर्शकों को थोड़ा उस गीत को जरूर सुनाइएगा और बड़ा लेवल का गाना था आपका वो वीडियो भी हुआ है वीडियो अच्छा हुआ है चला नहीं था उतना हाँ ये गाना था कि केहू के, न, के प्यार ना मिलल केहू के यार ना मिलल केहू के दुनिया उजड़ गिल केहू के बगिया बाखिलल केहू के जिंदगी में कबो बहार ना मिलल केहू गैर के हो के सम्हर गिल देखते देखते कहानी बदल गिल तो हर राजा बदल गिल हमर रानी बदल गिल देखते देखते कहानी बदल तो हर राजा बदल गिल हमर रानी बदल गिल ये गाना ऐसा था कि भोजपुरी आप गाना उठा के सुनिएगा और ये गाना उठा के सुनिएगा इस गाने को सुनने के बाद से कई बार लोग सुनेंगे जी हम सोचे कि ऐसा कंपोजिशन बनाएंगे इस गाने को, को भोजपुरी से भी एक अलग गाना भोजपुरी को एक नया मोड देगा ये गाना लेकिन पब्लिक को पसंद ही नहीं पड़ा लेकिन जो सुनते हैं वो बीस बार तीस बार सुनने के बाद जरूर एक बार फोन लगा देते हैं भैया आपका गाना है बहुत अच्छा गाना ये गाना किस चैनल पे है दर्शकों को बताया गाना हमारे ऑफिशियल चैनल पे है भास्कर पांडे ऑफिशियल पे यूट्यूब पे भास्कर पांडे ऑफिशियल पे है और अभी जितने भी गाने हैं भास्कर पांडे ऑफिशियल से ही आ रहे हैं और राजा रानी टू भी मैं किया ये उतना नहीं चल पाया उसके बाद भी मैं टू किया लेकिन इस गाने पे इतना विश्वास है कि आज नहीं तो कल अगर ये गाना उठेगा तो फिर बवाल मचा के रख देगा बिल्कुल आपका गाना है इसीलिए मैं दर्शकों को सुनाया आप लोग इस गाने को जाकर इनके चैनल पे जरूर सुनिएगा इस गाने को सुनेंगे तो वाकई वा... मतलब मैं कहता हूँ कि आप उसको कई बार सुनेंगे इतना अच्छा गा... गीत है भोजपुरी के लिए मतलब भोजपुरी में तमाम तरह के गीत आ रहे हैं लेकिन इस गाने का जवाब ही नहीं है एक गाना था आपका प्रियंका। हाँ प्रियंका वाला गाना सुनकर ये गाना था दो हजार अठारह का था गाना दो हजार गीत है वो प्रियंका वाला जो बेवफाई वाला और ये इसका रील का सिस्टम ये था इंस्टाग्राम पे कि अगर एक रील हटाते थे तो तुरंत दूसरा वही गाना आता था इतना बड़ा लेवल से ट्रेंड किया था हम्म hmm, हरी बटे बाल हो आँख धसले ऐसे जैसे लागे बंगाल के खाड़ी प्रियंका दागा प्यार में दे बाड़ी प्रियंका दगा प्यार में देले बाड़ी। ये गाना हमको एक लेबल दिया ये गाना और ला करके खड़ा कर दिया उस टाइम पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब नाम को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी होने लगा था लोग इस पर लड़कियों का नाम तो आप, आप छोड़ दिए हैं ना हम छोड़ दिए हैं उस समय बहुत सारे लोग आए थे कि मतलब गंदा हम उस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे कर ही नहीं सकते ऐसे ऐसे लड़कियों पे गाना आया था तो हम सोचे कि कुछ अच्छा चीज बना के देखते हैं क्योंकि गंदगी है नहीं ये गाना उठा के आप लोग भी सुनिएगा कहीं से कुछ खराबी नहीं इस गाने में लेकिन एक चीज ही था कि प्रियंका दगा प्यार में दिले बड़ी तो वो तुकबंदी के हिसाब से मैंने नाम डाल दिया था और बाकी इस पर आके हम लोगों से एक बार बोले भी थे कि अगर इस गाने को लेके अगर किसी को दुख लगा हो तो हम क्षमा चाहते हैं अभी आपका जो के तकला के बाद से देवरा के तकला से बहुत सारा गाना आ गया है अभी उसके बाद भी एक गाना ट्रेंड कर रहा है अभी भी चल रहा है एक लाख रिल प्लस है अरे आज के जमाना में न कोई अपने है। प्यार को के अपना विचार बदले है केहुओ के दिल हम देवनाई बी हाँ साला सब दो गले है नहीं। ये नहीं। नहीं। मार्केट के हिसाब से हम गाना बनाए रातों रात गाए चलिए ये सब चीज़ सुनते भी हैं दर्शकों को यही अच्छा भी लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बलगर नहीं है इसको आप लोग हमारे साथ थे भास्कर पांडे जी और आप देख रहे थे सेलेक्ट मीडिया 24 फोर इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा और इनके चैनल पर जाकर के जरूर इनके गाने को आप लोग एक बार सुनिएगा अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा धन्यवाद